तो जी नाश्ता वगैरह जो है यहाँ पर मैंने बना लिया है। आज मैं नाश्ते में करने लगी हूँ पराठा, कबाब और ये अच्छी सी चाय। तो ये हम गरीबों का नाश्ता है, मज़ेदार सा मेरे हाथ का बना हुआ मज़ेदार सा नाश्ता। और अब मैं करने लगी हूँ क्योंकि लाइट नहीं है, तो मैंने कहा जब लाइट आएगी तो तब मैं नाश्ता फिनिश कर लूँ और उसके बाद फिर फर्दर बाकी काम करते हैं और व्लॉग भी साथ में स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स Go. तो जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ चुकी है और टाइम हो चुका है, कोई 10 बजने वाले हैं और मैंने कर लिया है अपना नाश्ता फिनिश। और अब मैंने डालनी है वीडियो, अपलोड करनी है वीडियो की सेटिंग करनी है, वो करने के बाद करते हैं किचन का कुछ काम और बहुत कुछ। तो लेट्स गो। इस बंदे की ना आज तबीयत ख़राब है और ये बंदा जो है ना कब से लेटा हुआ है। इसकी आज हुई है क्लास, अब्बा ने इसको बहुत डांटा है, इसीलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ, कहीं इसको पता लग गया तो इसने मेरी वो ठुकाई करनी है ना, मैं क्या बताऊँ। तो ये बंदा जो है ना आज गालियाँ खा के सो रहा है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो इसके हक में दुआ करें कि अल्लाह इसको हिदायत दे, आमीन। हमारे मतलब आपको मत सिखा। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मेरा कुकर है ना, ये आज थोड़ी मस्ती कर रहा है और अभी मैंने थोड़ी देर तक चढ़ाया है नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था और जो है पैसा हमारे पास था नहीं, तो बचा खुचा जो गोश्त था आखिरी थैली पड़ी थी, तो मैंने कहा कि मैं वो चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ग्वार फली खाना मेरे घर वालों को पसंद नहीं है। तो अब्बू का सोच रहे थे, अब्बू को हम कबाब खिला देंगे, भाइयों के लिए मैंने चढ़ा दिया गोश्त। अब ये लड़की कब से जो है ना डर रही है, कह रही है कि सना ये फट जाएगा, सना ये फट जाएगा, सना ये फट जाएगा। नहीं फटेगा, तो मैंने इसको कहा कि परेशान ना हो, जब तक मैं इसके साथ हूँ ये नहीं फटेगा, तब तक तू अपने पांडे वांडे सांडे सारे धो ले, तू परेशान ना हो। तो जब तक ये पक रहा है, आप लोग भी जो है ना कुकर पे जब खाना बनाएं तो ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। है ये आपकी इसके किनारे से नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये अच्छे से इसको चेक कर लें कि ये सही से बंद है या नहीं। और ये जो आवाज़ निकाल रहा है ना, ये इसलिए आवाज़ निकाल रहा होता है क्योंकि इसको प्रेशर आ रहा होता है। अभी आधा घंटा पूरा गुजरा नहीं है, अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं इसको प्रेशर आना शुरू हुआ है। ठीक है समझ गया। मैंने पूरा आधा घंटा रखना है। तो फिर आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, मेरे घर में तो टोटली सारे के सारे लोग ना कुकर पर खाना बनाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो बनाते नहीं, कभी उन्होंने कुकर यूज़ नहीं किया है। तो ये भाभी का कुकर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जब मेरा अपना कुकर आएगा ना तो फिर तो मज़े ही मज़े। मैं तो कहती हूँ राइस कुकर भी मिल जाए, राइस भी उसी में बनाया करूँ। समझ रहे हो ना। तो अभी जो इसको सीटी आ रही है, 15 मिनट तक मैं इसके साथ खड़ी हूँ जब तक ये बर्तन धो ले, क्योंकि ये बहुत डर रही है। उसके बाद जो है मैं इसको खोल कर जो सालन बना होगा, मसाला होगा, उसको भून कर सालन बनाऊँगी। तो भाई नाश्ता करने के बाद सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, खाना बनाना, और वही काम मेरे सर होता है। और मैंने आज व्लॉग की सेटिंग भी करनी है साथ साथ, मेरी रूटीन ही यही है, सुबह नाश्ता करो फिर खाना बनाओ। खाना बनाने के बाद आजकल भाभी बीमार हैं, अब खाना मुझे बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर व्लॉग की एडिटिंग करनी पड़ती है, रोटियां बनानी पड़ती हैं। ज़िंदगी तो कसमें झंड है यार। आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि मैं कुछ और मज़ीद कर सकूं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक सब्सक्राइब माय चैनल। इस कुकर से मेरी जान छूट जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो कुकर से मैंने निकाल लिया है मसाला, अब मैं इसको लगी हूँ भूनने। भूनने के बाद इसमें लगाऊंगी मसाला जान, और फिर ज़ेबा ने ये चूल्हा भी साफ़ करना है, आज तो सफाई का काम है, किचन की सफाई। और ये भी लगाना है, ये भी लगाने हैं टूटे फूटे, ये भी लगाना है, ये वाला भी लगाना है। ये प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं अब्बा की मदद कर सकूँ, उनको घर बनाने में भी उनकी मदद कर सकूँ।
अपनी अब्बा को अपनी अम्मा को सपोर्ट कर सकूं, सिर्फ खाना बना बना के ना खिलाऊं, सुकून की ज़िंदगी भी दे सकूं। अल्लाह ताला मुझको तौफीक अता फरमाए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। वाह वाह वाह। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये मुझे कभी क्रेडिट नहीं दे कि साना तो खाना अच्छा बनाती है। मैं जब भी ये कोई काम करती है मैं इसकी तारीफ कर रही होती कि ज़रा दफ़ा हो जा। कहती है कि मैं इसका काम कर दूँ तो ये खुश है, अगर मैं इसका काम नहीं करती तो ये खुश नहीं है। फिर क्या पागल हूँ क्या, खाना बनाऊँ या सफाई करूँ? मिलजुल के बंदा काम करता है। अल्लाह वाले होते हैं ना, जो 5 वक्त पाबंद होते हैं, रोजा रोजे की तरह उनका ध्यान होता है, दीन ईमान अच्छा बुरा उनको लगने लगता है, तो वो ऐसे ही लगते हैं। मैंने तेरे साथ कब किया? जब मैं तेरे साथ करती हूँ तू उसका तेरे दिल में बस तू उसका जो है ना जहर जहर नहीं बदतमीज कहेगी। जब ये मैं जब मैं इनको कुछ बोलती हूँ ना मेरे लिए जहर है पूरी। गाइस देखिए कितनी चमक रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अब यहाँ पर ये भी लग जाती तो कितना अच्छा होता। ये बहन ये देखें कचरा आराम से, ये कपड़ भी टूटा हुआ है, ये चुटकियाँ मेरे पास वो रखी हुई ना लगी नहीं रहा। ये भी हम खुद लगाते हैं, हम लड़कियाँ ना मिलके खुद लगाती हैं। ये भी हमने खुद साफ़ किया था, ये भी लगाया था, लेकिन अब देखें हमने कहा अब भाभियाँ आ चुकी हैं वो घर को सेट करें, हमारा क्या है, हम आज हैं कल पता नहीं कहाँ होंगी। अच्छा हमको सिखा रही है। तोबा तोबा तक पा और बेटा ये क्या पता नहीं क्या है, सोडा खराब तो नहीं हो गया? लिखा हुआ है लेकिन अभी खराब हो गया होगा, हमारे पास है तो से इस्तेमाल किया है। मैंने नहीं किया, मैंने इसको खोल के नहीं देखा। चल झूठा। ये अब शेल्फ जो है तकरीबन धुल चुकी है और वो चूल्हा धो रही है क्योंकि मैंने जो है ना सालन बना लिया है। अब ये जो है ना बाकी की सफाई वो बर्तन वगैरह से सेट कर दिए हैं, शेल्फ में वगैरह भी धो दिए हैं और ये कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं, वो कैबिनेट्स भी साफ़ कर दिए हैं। और ये शेल्फ देखें आप खुद देख सकते हैं कितनी साफ़ और चमक रही है। ये इसने साफ़ किया, ये वाला भी इसने उठा के पीस यहाँ पे रखा है क्योंकि मैं वहाँ पे रोटियाँ बनाती हूँ, तो वो इसने कहा कि गंदगी हो रही है तो हम इसको साफ़ कर देते हैं। आज जो है ना अचानक ज़ेबा ने क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया है और किचन जो है लश फश फ्रश फश। मैंने कहा जब तक ये सफाई कर रही है मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर ये सफाई ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और गाइस अम्मी का आज रोज़ा है, ये केले मंगवाए हैं और ये आम है और ये केले ना क्या मज़ेदार केले ना, पेट में दर्द होगा तेरे रोज़े से पहले। कैसे अजीब सी है तू, रोज़े से पहले खाया तो तूने, रोज़ेदारों के साथ रोज़ा खा ले मेरे को कुछ नहीं होगा, तेरे पेट में तो दर्द होना ही होना है। मुझे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इफ जिंदगी को बस। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।